नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई पालघर जिले से बहुत बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकालते हुए आंदोलन में हिस्सा लेने ठाणे पहुंचे, जिसमें मुंबई के शाहपुर की आंगनवाड़ी कर्मचारी तो पैदल 2 दिन की लंबी यात्रा करते हुए आज सुबह पहुंची और आंदोलन से जुड़ी आंदोलन को एम ए पाटिल की अध्यक्षता में आगे बढ़ाते हुए कई आंगनवाड़ी महिलाओं ने संबोधित किया। प्रारंभ से अंत तक अध्यक्ष पाटिल का संबोधन रहा, बीच बीच में हमारी मांगे पूरी करो, हम होंगे कामयाब के नारे भी लगाते रहे। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की इस प्रकार मांगे है, आंगनवाड़ी को एंड्रॉइड मोबाइल की सुविधा दी जाए, आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, रिटायर्ड की पेंशन दी जाए, सुसज्जित आंगनवाड़ी केंद्र और पोषाहार बढ़ाया जाए, सेवानिवृत्त लाभ TADA केंद्र के भाड़े परिवर्तित निधि। इन सभी मांगों को लेकर 22/2/2023 को महाराष्ट्र के हर जिले में मोर्चा निकालते हुए जा रहे हैं। आज 24/2/2023 को शाहपुर और कपूरबाड़ी के कर्मचारियों ने, जो लगभग 800 की संख्या में होंगे, पैदल चलकर अनेक तकलीफों को सहते हुए लंबी यात्रा तय कर ठाणे कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचे। कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने पर मुंबई आजाद मैदान में अपार जन समूह के साथ आगामी 28 तारीख को जन आंदोलन करते हुए चेतावनी दी है। न्यूज 21 रिपोर्टर डीसी रावल की रिपोर्ट। हम मिल गए हैं अभी आंगनवाड़ी महाराष्ट्र के अध्यक्ष महोदय से। हाँ सर, बोलिए, आपके इस आंदोलन के अंदर कहाँ कहाँ से लोग आए? बेमुद्दा हड़ताल चालू हुआ, उनकी मांगे सेवा में कायम, वेतन अभी से अभी वेतन बढ़ाओ, लड़की की अच्छा फोन, पेंशन इसके लिए महाराष्ट्र, खाना के लिए हमने ये प्रोग्राम शाहपुर से यहाँ तक चल के आए, तो इसमें से करीबन 300 महिलाएँ शाहपुर से यहाँ तक चल के आए। उनका स्वागत करने के लिए नज़दीक की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो आई, उनका दोनों का मीटिंग हुआ। नहीं तो ये आंदोलन किसके लिए, किस क्या क्या मांगे हैं आपके आंदोलन को लेकर? इनको परमानेंट करना चाहिए, इनको पेंशन देना चाहिए, इनको अभी क्या भी अच्छी मानदंड वाल देना चाहिए, इनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए, इनको आंगनवाड़ी के काम करके अच्छा मोबाइल मिलना चाहिए, मराठी भाषा में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन, बहुत सारी मांग उसके लिए ये स्ट्राइक। ये आगे आपने बोला कि आगे भी आजाद मैदान के अंदर आपका आंदोलन है 28 तारीख को महाराष्ट्र आंगनवाड़ी वर्कर, वहाँ कितनी पब्लिक आने की संभावना है? 25,000 तो जरूर रहेगी, 25,000 के समय, यानी बड़ा आंदोलन है। ठीक सर, ठीक, धन्यवाद। यही आई थी 1,000, 1,000 के लगभग यहाँ पर आई, बराबर। ओके सर, धन्यवाद। मैडम, ये आज आंदोलन किया है, इसके बारे में पहले कोई पत्र व्यवहार किया नगर पालिका, महानगर पालिका में या कलेक्टर ऑफिस में या कहीं भी आपने पत्र व्यवहार किया है, कोई लेटर दिया है आपने? देखिए, मैं ये जो महाराष्ट्र राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन है उनका ये आंदोलन है, मैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट देने को आई हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी में जो लेडीज है उनके साथ हमारे ताल्लुकात है, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट करने आई। हमारी शाहपुर की जो आंगनवाड़ी की लेडीज है वो लोग जल के आई है यहाँ तक, इतनी चिलचिलाती धूप में, मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है, परमिशन नहीं ली होती तो अब तक पुलिस सबको खदेड़ चुकी होगी, सो आई एम श्योर उन्होंने परमिशन तो ली होगी। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि आंगनवाड़ी के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं, वो आप अगर जानकारी दे ये बोलने के पहले या हमारा इंटरव्यू दिखाने के पहले तो बहुत अच्छा होगा। और ये लोग बहुत ही कम पैसों में काम करते हैं, कोरोना में भी जब सारी दुनिया लॉक में अंदर बैठी हुई थी अभी इन्होंने काम किया,
छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है हेल्थ के ताल्लुक से या न्यूट्रिशन के ताल्लुक से, वो सारे ये लोग पूरा दिन रह के ये लोग उसको अमल में लाते हैं। तो मेरे ख्याल से चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, इनकी मांगों पर विचार ज़रूर करना चाहिए। हम लोग का, मैंने उस वक्त भी बोला था कि कैसा है ना, गरीब की आवाज़ में ना दम नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा होता है। आप देखिए एसटी वाले भी हैं, उनको भी अभी तक बहुत उनको वर्गलाया गया उस वक्त, लेकिन उन्हें भी अभी तक पगार नहीं मिला है। तो जब तक पैसे वाले को तकलीफ़ नहीं होती तब तक कोई हिलता नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट। ये बहुत ही दुख की बात है, आज ये लोग इतने चिलचिलाते धूप में आई है, 28 तारीख से ये लोग धरना भी धरने वाली है आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में सुनने में आया 23 मार्च को धरना है, 28 मार्च क्योंकि वहाँ पर अधिवेशन शुरू होने वाला है विधानमंडल का, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पर धरना देंगे। आप भी जरूर आना। जरूर जरूर।